जिसके लिए मुन्नी बदनाम हुई, अमिया से आम हुई, उसी ने मुन्नी के अरमानों की जरा भी परवाह नहीं की। एक किस के लिए देखिए कैसे इस इवेंट पर नजर आया अरबाज खान का डेस्परेशन। यहाँ शेव करने आए अरबाज से शायद किया गया था ये वादा कि अगर वो शेव करवाएंगे तो उन्हें मिलेगा एक केस। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद चित्रांगदा सिंह और नेहा धूपिया को देखकर किस के लिए मचल गए अरबाज खान। अरबाज भाई, इनको भी लगता है थप्पड़ से नहीं बल्कि प्यार से डर लगता है, तभी तो देखिए ना कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा। और देखिए कैसे किस के बाद फूल जैसा खिल गया अरबाज का चेहरा। जिन अरबाज को अपनी मुन्नी से डर होना चाहिए था वो तो यहाँ दो दो हसीनाओं के साथ चुम्मे का वादा पूरा होने पर काफी खुश नजर आए। डरी डरी तो बेचारी नेहा धूपिया थी कि कहीं मुन्नी के हस्बैंड को किस करने पर मलाइका नाराज ना हो जाए। आई होप मलाइका डजंट फील बैड अबाउट दिस, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। मुन्नी को पता चल गया तो दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं, इसीलिए नेहा जी खैरियत किसी में है कि सही तरीके से बता दीजिए कि आपने कैसे ट्रैप किया अरबाज को। कई में से एक इंसान है जो मुझे क्लीन शेवन अच्छे लगते हैं, आई वुड हैव टू से अरबाज खान एंड आई प्रूव माय पॉइंट बाय प्लांटिंग अ किस ऑन हिज चीक ओनली आफ्टर ही शेव्ड, सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओहो, तो नेहा जी ऐसे बना दिया अरबाज को पप्पू, शेव भी करवा दिया और पप्पी भी ले ली। शायद इसी वजह से सलमान भाई को हर वक्त आपके शूटिंग स्केड्यूल पर नजर रखनी पड़ती है। हम चले भैया दबंग की शूटिंग करने के लिए, अरबाज खान फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, अरबाज खान फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है तो सलमान भाई को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ये बात अरबाज भी मानते हैं। सलमान सेट पे एक एक्टर हैं, सलमान एक सेट पर एक स्टार हैं, और मैं एक डायरेक्टर हूं और मैं एक नया डायरेक्टर हूं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आई डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री एंड यू नो आई गिव हिम द रिस्पेक्ट एंड द रिगार्ड दैट ही नीड्स। मैं कहीं ना कहीं कभी कभी अपने भाई का कार्ड प्ले करता हूँ और कहीं ना कहीं स्लिप करता हूँ, अरे सलमान रियलाइज के नहीं, देर इज अ वे टू डू इट। मेरे एक्साइटमेंट में कभी कभी मैं ज़्यादा चीज़ें कभी बोल देता हूँ या करता हूँ। वैसे अरबाज भाई, यहाँ खबरें आजकल छाई हुई है कि सलमान भाई का डोमिनेंस दबंग 2 पर छाया हुआ है, भला आइटम नंबर हो या फिर कुछ और डिसीजंस, हर मामले में सलमान की ही चल रही है, आपकी नहीं। डायरेक्टर इज एन ओवरऑल व्यू ऑफ एवरीथिंग एंड बट इफ अ गुड सजेशन कम्स आई थिंक इट विल बी स्टूपिड इफ समबडी डज नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट काउंट्स इज समथिंग दैट गुड कम्स आउट ऑन स्क्रीन फ्रॉम एन एक्टर। आई गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू माय टेक्निकल टीम to you know have an opinion and have a take. Ultimately the decision is what I take, but I never stop them from saying okay, how else could this be. Ideas always there. आपकी बात से तो लगता है कि आपने सारी कमान अपने हाथ में ही थाम रखी है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।